Hello, good morning to all. My name is Dev Chok. I'm from University Commerce College, pursuing my BCom honors. It has been a delightful session. I am the executive panelist for the same. It has been an ultimate honor to lead all these young ministers in front of them. Earlier, I was also a part of the other side of the table, but now I have got the privilege. Thanks to ma'am for giving me this opportunity. Thanks to Rajasthan College. It has been quite a productive and fruitful debate till now. We have discussed the most progressive notion, which is quite heated topic in contemporary world, that is the same-sex marriage should be legalized or not. I think we as youth are responsible for discussing such taboo notions because it is us who will be representing various constituencies in the parliament tomorrow. Today we are sitting here, tomorrow we will, who knows, might be some minister of here might represent their constituency in the parliament. So it is upon us to discuss upon these taboo notions and prepare a ground so that the thinking, critical thinking develops on this particular topic and leaving the conventional topics of debate aside. So I would like to thank the organization, University Rajasthan College, for this great initiative. And it has been absolute honor to be an executive panelist over here. Namaskar, sabhi ko. सर्वप्रथम तो नमस्कार सभी को. मैं मेहुल अग्रवाल, जो इस कमेटी में नरेंद्र मोदी का पोर्टफोलियो निभा रहा हूं, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि जो सेम सेक्स मैरिज का जो विषय है वो माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश देते हुए ये कहा है कि ये विचाराधीन होना चाहिए पार्लियामेंट में. तो जो भी कानून हो वो सरकार इस पर बनाए. तो यही बहस अभी हमारे यहाँ चल रही है. ये देखना बाकी है कि इस पे जो संसद है वो क्या निर्णय लेती है. धन्यवाद. पोर्टफोलियो नेम ही सर. नमस्कार, मेरा नाम माधव शर्मा है. मैं आज इस मॉक पार्लियामेंट के अंदर गौरव गोगोई जी का पोर्टफोलियो निभा रहा हूँ. तो सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार. मेरी सभी देशवासियों को मैं यही सूचना प्रेषित करना चाहता हूं कि आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दा, जो कि समाज के एक ऐसे तबके से जुड़ा हुआ है कि उनको भेदभाव की दृष्टि से देखा जा रहा है, जिनके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया निभाया जा रहा है, तो आज हम संसद में इस बात पर बहस कर रहे हैं. हमने पक्ष रखा है और हम विपक्ष से चाहते हैं कि वह समलैंगिक विवाह को मान्यता दे. हमारी सत्ता पक्ष से अपील है कि केवल भवन बदलने से कुछ नहीं होगा, भावनाओं को भी बदलने पर ध्यान दे और समाज का जो एक तबका है, समलैंगिक जो लोग हैं, उनको विवाह की अनुमति दी जाए, ताकि भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ से हम लोगों को यह संदेश दे सके कि हमारे संविधान के अंतर्गत समानता और भेदभाव, समानता को स्थान दिया गया है और भेदभाव का कोई स्थान नहीं है. जय हिंद, जय भारत. So as we have organized a national youth parliament today under the aegis of Ministry of Parliamentary Affairs, it was quite happy day for all of us ki aaj hum log ise organize kar paaye, and due to the Ministry of Parliamentary Affairs ki jo scheme thi, national youth parliament scheme. और इसमें हम लोगों ने टॉपिक भी ऐसा रखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट हमें कहता है कि ये टॉपिक लेजिस्लेशन को डिस्कस करना चाहिए. आई थिंक कि हम लोग जो स्टूडेंट हैं, आगे चलकर लेजिस्लेशन बनेंगे. इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हम लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाते कि किस तरह से जो पार्लियामेंट होती है, लेजिस्लेशन होता है, वो वर्क करता है. अदर देन दैट, आज मैं अतुल गुप्ता हूँ और मेरा जो पोर्टफोलियो था वो सुधांशु त्रिवेदी जी का था, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं. एंड वी वर मूविंग फॉरवर्ड दिस थिंग कि किस तरह से जो समलैंगिक विवाह की बात होती है, उसके कानून को लाने में थोड़ी सी जल्दी जो है विपक्ष कर रहा है. अभी हमें पहले इस चीज़ पर व्यापक चर्चाओं की आवश्यकता है, एक व्यापक रिसर्च की आवश्यकता है. ऐसी रिसर्चेस जो हमारे देश में हुई हो, हमारे विश्वविद्यालयों द्वारा हुई है, उसके पश्चात हम लोग डिसाइड करेंगे किस तरीके से हम टेक्निकलिटीज़ को दूर कर, टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं उन्हें दूर करके, और फिर हम LGBT कम्युनिटी को जो भी मैरिटल राइट्स हैं, जितने ज़्यादा हम उनके लिए सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकते हैं, वो हम उन्हें प्रोवाइड करें. सो दैट वॉज द होल मोटिव बिहाइंड टुडेज़ सेशन, एंड इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस टू. थैंक यू. मैं प्रकाश कुमार चौधरी, आज इस यूथ पार्लियामेंट के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे का रोल निभा रहा हूँ. और हमने एक ऐसा मुद्दा चुना है कि सेम सेक्स मैरिज शुड बी लीगलाइज्ड. ये मुद्दा देश के उस तबके से जुड़ा हुआ है जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करता है, और ये उन वर्ग के अधिकार और संरक्षण की बात है, उन वर्ग की सुरक्षा की बात है.
तो हमने आज इस पर व्यापक बहस की कि उसको किस प्रकार से लीगल कर सकते हैं, और विपक्ष से भी इसमें इस पर आग्रह किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में अपना प्रभाव दिखाए और इसे तुरंत लागू करे, क्योंकि ये समुदाय भारत का लोकतंत्र ये समानता पर आधारित है, क्योंकि पूरा समाज इक्वल होना चाहिए। उसे जिस प्रकार पुराने समय से देखा जा रहा है कि ये समुदाय पीछे रह रहा है, तो उसे भी साथ ला के एक समावेशी विकास की राह को सुनिश्चित करें। धन्यवाद। आज का जो ये कार्यक्रम है वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तत्वावधान में राजस्थान कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और इसमें हमने जो इशू रखा है वो है, हमारा जो आज सदन के पटल में रखा गया है वो है कि सेम सेक्स मैरिज शुड बी लीगलाइज्ड, क्या समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान की जानी चाहिए। तो आज सदन के पटल पर यह विषय रखा गया है, इसमें हमारे 36 युवा पार्लियामेंटेरियन ने पार्टिसिपेट किया है, और इसके माध्यम से जो जो हमारे युवा बच्चे हैं उनको यह ज्ञात होगा कि किस तरीके से संसदीय जो परिचर्चा है, संसदीय प्रक्रिया, वहाँ किस तरीके से काम किया जाता है, स्टार्ट क्वेश्चंस और अनस्टार्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स किस तरीके से वर्क करती है, और किस तरीके से जो जन समस्याएँ संवेदनशील मुद्दों के संदर्भ में किस तरीके से अपनी बात जो है प्रखरता के साथ रखी जानी चाहिए। इनमें नेतृत्व कौशल क्षमता का विकास होगा, और इन्हें पता चलेगा कि काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव किस तरीके से संसद के पटल पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो है जो राजस्थान सरकार में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव का माहौल है, लेकिन हम क्योंकि विद्यार्थियों को जो इस तरह की जो निर्णय निर्माण क्षमता, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएँ हैं, वो किस तरीके से विकसित हो, इसलिए हमने आज ये आयोजन करवाया है नेशनल यूथ पार्लियामेंट का, जिसमें कि देश विदेश से बच्चे हमारे पास आए हैं, नोएडा से आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चे हैं, और यहाँ के ही जो संगठक राजस्थान विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेजेस हैं, यहाँ से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और ये काफ़ी अच्छी जो चर्चा है वो चल रही है अभी जो सदन के पटल में जिस तरीके से चर्चा होती है उसी संदर्भ में आज हमारी ये चर्चा जो है वो आयोजित की जा रही है, और बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं इन प्रक्रियाओं के माध्यम से, इनमें बहुत अच्छी जो क्षमताओं का विकास हो सकता है। और मैं डॉक्टर सुमन मौर्य, राजस्थान विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर और निदेशक डॉक्टर अंबेडकर अध्ययन केंद्र, इस समस्त कार्यक्रम की समन्वयक हूँ, और इस रूप में हम देख सकते हैं अभी ये लास्ट में पता चलेगा कि डेलिब्रेशन के बाद कि इस सदन के पटल में ये विधेयक पारित होता है या क्या रहता है इस विधेयक की स्थिति, अभी हमारी पार्लियामेंट जो है चल रही है कंटिन्यू जी।